कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने दूसरे नेताओं से भी अयोध्या आकर दर्शन करने को कहा। मैं उन सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं जो राजनीतिक विद्वेष के कारण अयोध्या से परहेज कर रहे हैं, अयोध्या से दूरी बना रहे हैं, राम सबके हैं। LJP सांसद चिराग पासवान भी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि रामलला के दर्शन कर वो बेहद भावुक हो गए। BJP नेता बांसुरी स्वराज भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुई। उन्होंने रामलला के मंदिर में विराजमान होने को सुखद अनुभव बताया, साथ ही विकसित भारत का सपना साकार करने की उम्मीद जताई। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा भी शामिल हुए। 90 वर्षीय देवगौड़ा शारीरिक रूप से कमजोर होने के बाद भी रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने मंदिर निर्माण और रामलला के विराजमान होने पर खुशी जाहिर की। JDS नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने भी अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक पलों का साक्षी बनने पर गर्व महसूस हो रहा है। कांग्रेस नेता और हिमाचल सरकार के मंत्री विक्रमादित्य भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। उन्होंने इस मौके को ऐतिहासिक बताया। भगवान श्री राम के आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, आज का दिन ऐतिहासिक है। गृह मंत्री अमित शाह रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर दिल्ली के बिरला मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा अर्चना की। उनके साथ केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी भी मौजूद रहीं।